तो गाइस भारत में कुश्ती सदियों से चली आ रही है। कई देसी पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम भी रोशन किया है, जिनमें कि सुशील कुमार, बजरंग पुनिया और भी बहुत सारे रेसलर्स का नाम शामिल है। मगर आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने भी पहलवान हैं, चाहे देसी हो या फिर विदेशी, सभी के कान अलग ही दिखते हैं। कान की बाहर की खाल खुली हुई, सूजी और उभरी हुई है। ये ऐसा दिखता है मानो कान के अंदर किसी ने कोई जेल भर दिया हो। मगर सवाल ये है कि पहलवानों के कान ऐसे क्यों दिखते हैं, आज मैं इसके पीछे का राज बताऊंगा। दरअसल गाइस साल 2016 के ओलंपिक्स के दौरान बबीता का एक विज्ञापन आया था। इस एड में उन्होंने कहा था कि आपका किसी ने कान खींचा है, मेरा तो बचपन से कान खींचा भी गया है और तोड़ा भी गया है। तो क्या कान खींचने से बबीता या उनकी तरह दूसरे पहलवानों का कान ऐसा होता है या उनके गुरु के कान तोड़ने से होता है? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर ऐसा होता तो हम में से ज्यादातर के साथ भी ऐसा ही होता, क्योंकि स्कूल में तो मास्टर साहब का एक फेवरेट काम ही होता है कान खींचना। दरअसल इस कंडीशन को कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब कोई शख्स बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करता है तो उसके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। उस वक्त कान पर लगा हल्का सा हाथ भी रक्त कोशिकाओं को फाड़ सकता है या कान की हड्डियों को तोड़ भी सकता है। पहलवानों के साथ भी ऐसा ही होता है, वे जब रेसलिंग करते हैं तो कभी कान के बल गिरते हैं, तो कभी मैट पर रगड़ लग जाती है, तो कभी दूसरे पहलवानों का हाथ या घुटना लगता है और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चलता, मगर जब पहलवानों की बॉडी ठंडी पड़ती है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि कान टूट गया है। कान में खून भर जाने से कान की बनावट में बदलाव आ जाता है, हालांकि इससे सुनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये स्थिति बहुत से बॉक्सर्स और मार्शल आर्ट्स करने वालों के साथ भी देखी जाती है। हालांकि अगर पहलवान को सुरक्षा गियर पहने तो इस स्थिति से वो बच सकते हैं, लेकिन सुनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ कान का लुक खराब हो जाता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि पहलवानों के कान किस लिए अजीब से दिखते हैं, क्योंकि वे रेसलिंग के दौरान टूट जाते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।